ईश्वर न करे कि कोई बीमार पड़े, लेकिन जिंदगी है, लोग बीमार पड़ते हैं, अस्पतालों के चक्कर भी लगते हैं। हम आम आदमी जब भी अस्पताल जाते हैं तो वहाँ जो बिल बनता है, सचमुच उस बिल को देखकर हमारे दिल दहल उठते हैं, होता है कि नहीं? होता है ना। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जमशेदपुर में एक ऐसा अस्पताल खुल गया है जहाँ बिल होगा ही नहीं, कोई बिल काउंटर ही नहीं है, कोई कैश काउंटर ही नहीं है, तो आप सोचेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अन्य अमृता और शार भारत आज आपको वो कहानी दिखाने ले जा रहा है जो कहानी अब तक आपने नहीं देखी है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि जमशेदपुर में ऐसा अस्पताल खुल गया है जहाँ बिल नहीं है। तो आप आज ये स्टोरी देखिए और बताइए कि कैसा लगता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के संजीवनी हॉस्पिटल का नाम तो सबने सुना ही है। देश भर से छोटे बच्चों के दिल की बीमारियों से जुड़े ऑपरेशन मुफ्त में करने वाला संजीवनी अस्पताल अब जमशेदपुर में भी आ चुका है। पूर्व में जहां मेडिका और कांतिलाल अस्पताल था, उसी भवन में संजीवनी हॉस्पिटल खुल चुका है। 18 नवंबर को राज्यपाल ने यहां मदर एंड चाइल्ड सेंटर का उद्घाटन किया, जिसके साथ ही यह अस्पताल आधिकारिक तौर पर चालू हो गया। राज्यपाल ने कार्यक्रम में ट्रस्ट के चेयरमैन से भावुक अपील की कि वे रायपुर की तर्ज पर यहाँ हार्ट का बड़ा सेंटर खोलें, क्योंकि झारखंड एक गरीब राज्य है। इस दौरान ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर श्री श्रीनिवास ने बच्चों और महिलाओं के प्रति सेवा के संकल्प को दोहराया। उन्होंने बताया कि रायपुर में झारखंड के 10,000 से ज़्यादा लोगों का सफल इलाज हो चुका है। झारखंड के 1,000 से ज़्यादा बच्चों के दिल के जटिल ऑपरेशन हो चुके हैं। फिलहाल जमशेदपुर में गायनोकोलॉजी और बच्चों से जुड़ी बीमारियों के इलाज संजीवनी अस्पताल में होंगे। साथ ही एक आई सेंटर भी संजीवनी अस्पताल में बनाया गया है। आने वाले समय में रायपुर की तर्ज पर बच्चों के लिए बड़ा हार्ट सेंटर बनेगा, जहां बच्चों के दिल की बीमारियों से जुड़े ऑपरेशन होंगे। धीरे धीरे सुविधाएँ बढ़ाई जा रही हैं। अगले 2 हफ्तों में यहाँ अल्ट्रासाउंड और अन्य मशीनें भी आ जाएंगी, जिसके बाद मरीजों को काफ़ी सुविधा हो जाएगी। यहाँ इलाज पूरी तरह मुफ्त है। अस्पताल में कहीं भी कैश या बिल काउंटर नहीं है। इलाज मुफ्त, दवाइयाँ मुफ्त और तमाम जांच की सुविधा भी मुफ्त है। दूर दराज या शहर की गरीब महिलाओं के लिए ये हॉस्पिटल राहत प्रदान करेगा। सुविधाओं और पैसे के अभाव में बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों में गरीब महिलाओं की डिलीवरी घरों में ही हो जाती है। ये हॉस्पिटल इस सूरत को बदलेगा। जमशेदपुर के सेंटर को जोड़ दिया जाए तो अब तक इस ट्रस्ट के 9 हॉस्पिटल खुल चुके हैं, जिनमें 4 हार्ट के हॉस्पिटल और 5 मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर शामिल हैं। जमशेदपुर के कदमा की रहने वाली गर्भवती सोनिया घोष यहाँ इलाज के लिए पहुँची थी। उन्होंने शार भारत से अपने अनुभव साझा किए। यहाँ तो फी नहीं लगा और डॉक्टर का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, और यहाँ आने का बाद भी हमको बहुत अच्छा लगा मैम से मिल के भी, और ट्रीटमेंट भी हुआ सही से। यहाँ का साफ सुथरा भी बहुत अच्छा है, जिसको भी दिखाना हो वो यहाँ पे आके दिखा सकते हैं, फ़ी नहीं लगेगा आपका। हम आ गए हैं रजिस्ट्रेशन काउंटर पे। देखिए यहाँ पर जो है, जो भी मरीज आ रहे हैं उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चल रहा है। कोई भी आपको पूरे हॉस्पिटल में ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई कैश काउंटर या बिल का काउंटर बनाया गया, जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे, जिसके बारे में मैं बता रही थी आपको। और यहाँ हम आ गए हैं अंदर, जो ट्रस्ट ऑफिसर हैं सौम्या मैम, उनसे हम पूरी जानकारी लेते हैं कि जो ये बात आई है कि ये जो हॉस्पिटल है पूरी तरह निःशुल्क है, तो कैसे ये कार्य करता है, क्या क्या सुविधाएँ हैं यहाँ पर। मैम, शार भारत में आपका स्वागत है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे ये निःशुल्क हॉस्पिटल है, क्या क्या यहाँ खुला है, आगे क्या कुछ खुलेगा, ज़रा हमें बताइए। ज़रूर, नमस्कार। तो यहाँ पे अभी सितंबर में ऑफ्थल आई का जो है ओपीडी खुल गया है, और जो कल खुला है वो गायनेक ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी, स्पेशली गर्भवती महिलाओं के लिए जो आउट पेशेंट कंसल्टेशन है वो खुला है। ये सेंटर जो है जहाँ पे अभी आप बैठे हैं, ये डेडिकेटेड है पूरा सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। तो अभी तो गर्भवती महिलाओं के लिए आउट पेशेंट खुला है, इसके बाद अल्ट्रासाउंड खुलेगा, और उसके बाद जो बोलते हैं अनोमली स्कैन, जो जनरली करते हैं, चेकअप करते हैं पूरा प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो खुलेगा। और कुछ ही हफ्तों में यहाँ पे जो नॉर्मल डिलीवरीज है, सी सेक्शंस है, जो भी कॉम्प्लेक्स केसेस है, वो भी खुल जाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पे सब कुछ निःशुल्क रहेगा। तो ये हॉस्पिटल में बिलिंग काउंटर नहीं है, ये सेवा और एक सोशल इनिशिएटिव है
कि लोगों को यहाँ पे आए, क्वालिटी केयर मिले। और जैसे सब कुछ हो, कल अनाउंसमेंट भी ये भी हुआ था कि यहाँ पे चाइल्ड हार्ट केयर, मतलब बच्चों के दिल का जो प्रॉब्लम होता है, हार्ट होल इन द हार्ट, छेद होता है, उसके लिए एक स्क्रीनिंग सेंटर खोलेंगे। अभी नहीं, एक दो महीने में खोलेंगे। और वो स्क्रीनिंग सेंटर के बाद शायद कल ये भी अनाउंस हुआ था, सब अच्छा रहे तो यहाँ पर एक पूरा बच्चों के दिल का अस्पताल भी खुल जाएगा। जैसा कि रायपुर में आपका सेटअप है। जी, जैसे रायपुर में अभी 10 साल से चल रहे हैं, वहाँ पे ऑलमोस्ट 23,000 से ज़्यादा बच्चों का सर्जरी निशुल्क हुआ है। इनफैक्ट झारखंड से 2,000 बच्चों का ऑलरेडी वहाँ आ चुके हैं। यहाँ के बहुत सारे संस्थाओं ने वहाँ भेजा है, यहाँ पे सरकार का भी सहयोग रहा है, NGOs का सहयोग रहा है। तो वैसे ही अब क्योंकि इतने सारे बच्चे यहाँ से आ रहे हैं इस बेल्ट में, तो यहाँ पर भी हो सकता है ये खुल जाए, ये हमारा विजन है। शार भारत के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो आप श्री सत्य साई हॉस्पिटल का नाम सुनते थे, जो छत्तीसगढ़ आप जाते थे झारखंड से, जैसा कि मैम ने बताया भी, कितने हज़ार लोग यहाँ से झारखंड से जा चुके हैं जिनके बच्चों के दिल में छेद था, उनके ऑपरेशन हुए हैं और अन्य जो परेशानियाँ उसको लेकर, तो अब वैसा एक अस्पताल यहाँ जमशेदपुर में खुल गया है। भले ही धीरे धीरे इसमें जो है सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी, फिलहाल जो है बिल्कुल जो है इनिशियल स्टेज में है, लेकिन आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मैम से हम ये भी जानते हैं कि जो लोगों को एक हेजिटेशन होता है, संकोच होता है, उनको विश्वास नहीं होता है कि क्या कोई निशुल्क सेवा ऐसा हो सकता है, तो मैम से हम अपील करेंगे कि वो एक अपील जारी करें शार भारत के माध्यम से कि जिनको किस तरह की समस्याएं हैं, कौन लोग यहाँ आ सकते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिकली वो बताएंगी। मैम, कौन लोग हैं जो यहाँ आ सकते हैं फ़िलहाल इस वक्त जो हॉस्पिटल में, और जो निःशुल्क वाली बात है उसको बिल्कुल ज़ोर देकर बताइए ताकि लोग जो हैं अवेयर हो सकें। देखिए, हमारी भावना बहुत सिंपल है, सबसे प्रेम सबकी सेवा। तो हम जैसे कोई माता पिता अपने बच्चों से पैसे नहीं लेते हैं कुछ करने के लिए, वैसे ही हमारे ट्रस्ट का मानना है कि कोई भी हो, कोई भी जो अंदर आए, चाहे वो गांव से हो, शहर से कोई भी हो, उनसे हम पैसे नहीं ले सकते है ना। तो इसीलिए यहाँ पे सब कुछ निशुल्क है। अभी गर्भवती महिलाओं के लिए और जो गायनेकोलॉजी, जो भी लेडीज़ वो चेकअप कराना चाहते हैं, तो वो सारी सेवाएं निशुल्क रहेंगे। अभी रोज़ यहाँ पे 8:30 बजे से 1 बजे तक आ सकते हैं महिलाएं, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके चेकअप करना है। रजिस्ट्रेशन का कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, बस अपना आधार कार्ड लेके आ जाए। और कोई भी इसके पहले अगर आपने कहीं एक हॉस्पिटल में दिखाया हो या कोई ऐसा कंसल्टेशन शीट हो, वो लेके आए, बस उतना ही है प्रोसेस। और इसके बाद जो है अल्ट्रासाउंड शुरू हो जाएगा बहुत जल्द, वो भी हम आपके माध्यम से बता देंगे जब शुरू हो जाएगा, तो वो अच्छा हो जाएगा कि अल्ट्रासाउंड भी बिल्कुल फ्री रहेगा। तो कोई आधार के सिवा और कुछ नहीं है कि आपके पास आयुष्मान हो या राशन कार्ड, इस तरह की कोई टेंशन नहीं है? नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस आधार कार्ड हो। अगर मतलब बहुत बच्चे आ रहे हैं कुछ चेकअप करने के लिए या गायनेकोलॉजी चेकअप, तो उनके पेरेंट्स का आधार कार्ड हो, कोई एक आइडेंटिफिकेशन, बस उतना ही है, और कुछ ज़रूरत नहीं है। तो जो गरीब हैं, या क्या आप उनको मतलब क्राइटेरिया के लिए कुछ यहाँ पर वो नहीं करते हैं कि हम देखें कि वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आ रहे हैं या कैसे आ रहे हैं, इसके लिए कोई यहाँ पर नहीं है कि हम उसको देखें? आप देख कर समझते हैं कि हाँ इनको ज़रूरत है? नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी करते। देखिए, बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास लोग भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, है ना, प्राइवेट में। तो ऐसा बोलना कि सिर्फ इकोनॉमिक बैकवर्ड के लिए ये है, ये भी गलत ही है। तो यहाँ पे कोई भी आए, यहाँ पे सिर्फ ये है कि जब अस्पताल खुलेगा, यहाँ पे कोई प्राइवेट वार्ड नहीं रहेगा, सब अच्छा गुड क्वालिटी जनरल वार्ड रहेंगे। तो जो उसमें अपना सर्विस लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स जो है वो बहुत ही सीनियर डॉक्टर्स होंगे, तो उस लेवल का केयर अगर जो भी यहाँ से लेना चाहते हैं वो आ सकते हैं। और हम पर्टिकुलरली झारखंड में हम चाहते हैं कि यहाँ के जो ट्राइबल बेल्ट्स हैं और यहाँ के जो गांव हैं वहाँ से लोग आए। तो आपसे विनती ये है कि जितना आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं, मैसेज को जितना लोगों को दे सकते हैं, ताकि लोग जाने कि वो आ सकते हैं यहाँ पे और गाँव से आ सकते हैं। तो बस आना ही है, एक दो लोगों के साथ आना है, आधार कार्ड के साथ आना है, आपका ख्याल रखा जाएगा। डॉक्टर्स धीरे धीरे जुड़ रहे हैं मैम, अभी प्रक्रिया चल रही है क्या? ऑलरेडी हमारे पास 2 गायनेकोलॉजिस्ट और 1 मेडिकल ऑफिसर है। जैसे जैसे और बढ़ेगा तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, एनेस्थीजिया डिपार्टमेंट, सब
और जोड़ेंगे, और जैसे अगर आई हार्ट सॉरी चाइल्ड हार्ट का डिपार्टमेंट खुलेगा, स्क्रीनिंग खुलेगा, तो वहाँ पे फिर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, फिर पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन, ये सब धीरे धीरे जोड़ेंगे। आप बता रही थी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी सेवा दे रहे हैं, वॉलंटियर सर्विस दे रहे हैं यहाँ पर, आपने बताया था, तो उन लोगों से भी आप हमें मिलाइए। आपसे तो हम लोगों ने बात कर ली, अब आप हमें उनसे मिलाइए जो यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, ताकि हम ये लोगों को बताएं कि ये जो अस्पताल खुला है तो ये कई लोगों के लिए एक ऐसा माध्यम बना है कि वो भी जो जन सेवा नहीं कर पाए ड्यूटी करते समय, अब वो जो है रिटायरमेंट के बाद कर सकते हैं। तो अब हम मैम के माध्यम से उनसे मिलते हैं जो यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं, जो नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अब सत्य श्री जो साईं संजीवनी अस्पताल है वहाँ अपनी सेवा देने के लिए आए हैं, तो उनसे हम मिलेंगे। बड़ी संख्या में लोग यहाँ स्वेच्छा से जन सेवा कर रहे हैं। वोल्टास कंपनी में जोनल बिजनेस हेड रह चुके राजशेखर यहाँ अपनी निशुल्क सेवा दे रहे हैं। I am a retired person. मैंने वोल्टास का जोनल बिजनेस हेड था यहाँ पर इस जोन का। पोस्ट रिटायरमेंट मैंने सच्चा साई बाबा संस्था से पहले से जुड़ा हुआ था। 91 में सामी का एक हॉस्पिटल था पुट्टपर्ती में, तब वहाँ पर मैंने एज एन ऑफिशियल इंजीनियर जैसा काम किया था। तो स्वामी का महिमा, ये पूरा हमको पावर हमको समझ में आया, शक्ति और ऊर्जा, तो समझा कि हम स्वामी के लिए रिटर्न क्या कर सकते हैं। स्वामी हमेशा बोलता है कि प्रेम और सद्भावना में रहना चाहिए और सत्कर्म में जुड़ा हुआ होना चाहिए, सेवा एक मार्ग है उसमें। तो हम सोचा कि हम MEP इंजीनियरिंग में बहुत काम किया, प्रोजेक्ट्स में, एयरपोर्ट्स का, टाटा स्टील प्लांट्स में, तो हमारा एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग में, प्रोजेक्ट्स में, डिज़ाइन इंजीनियरिंग में, स्पेशली एयर कंडीशनिंग में। तो हमारा ये हॉस्पिटल मॉडिफिकेशन जब कर रहे था, तो मेरा जितना नॉलेज था 30 साल का, उसको इस्तेमाल करने का मिला और हमको अच्छा लगा। हमने 10-10 घंटा काम करता था, लेकिन हम कभी थकावट महसूस नहीं किया। ये हमको आई एम नॉट ए सिविल इंजीनियर, बट यहाँ का बहुत कुछ सिविल मॉडिफिकेशन हमने जो किया है, हम कैसा किया हमको मालूम नहीं है। ये एक अत्येंद्रीय शक्ति हमसे काम करा रहे हैं। तो जितना घंटा हम यहाँ पर श्रमदान जो भी बोलता है अब करता है, लेकिन थकावट की चीज़ हमको मालूम नहीं होता है। और हमको नेक्स्ट डे हम आ जाता है फिर कुछ करने के लिए। तो ये हम लगातार इसका प्रयास जारी रखेंगे और आउटरीच करके जितना लोगों को, जो हमारा चेयरमैन सर बोलता है कि सर्व दी अनसर्वड, वो हमको बहुत अच्छा लगा कि बहुत लोगों, हम लोग नारायण सेवा में जाते हैं, इतना लोगों की उपलब्धि कमी पर, इतना लोगों का प्रॉब्लम्स हो रहे, हम जानकारी हम हमारे पास है, हम कितना हो सकता था हम हमारे साथी लोगों बदलने को कोशिश करेंगे। वहीं TMS से रिटायर हो चुकी मशहूर स्त्री रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर बी कामेश्वरी भी अब संजीवनी हॉस्पिटल से जुड़ गई हैं, जहां वे अपनी निशुल्क सेवा दे रही हैं। रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा अब तक तो जो भी है थोड़ा सा समाज की सेवा भी करें, इसलिए मैं वॉलंटरली निःशुल्क सेवा देना चाहती हूँ। सभी सेवाएँ आपको निःशुल्क या मुफ्त में मिलती हैं। तो जो भी हैं गांव वगैरह दूर दरा के रूरल एरिया में, सब आकर के इन सेवाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखा आपने कि श्री सत्य साईं हॉस्पिटल में किस प्रकार बिना बिल का इलाज हो रहा है। भले ही आपको ज़्यादा मरीज आज नज़र नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा एक अस्पताल है। तो वे तमाम लोग जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं या फिर जमशेदपुर में ही रहते हैं और इलाज का खर्च नहीं उठा सकते हैं, जो महंगे महंगे अस्पतालों का चक्कर नहीं काट सकते हैं, वो ज़रूर इस स्टोरी को अगर देख रहे होंगे तो वो यहाँ आ सकते हैं। और ऐसी अपील भी अस्पताल की तरफ से की गई है, तो बिल्कुल यहाँ आइए और अपना इलाज कराइए, यहाँ कोई बिल नहीं है। ऐसा अस्पताल जमशेदपुर के लिए वरदान से कम नहीं है। सहयोगी बबलू के साथ अन्य अमृता, शार भारत के लिए।